थोड़ा। अच्छा पंडित जी, क्या है इस मंदिर का कहानी? अच्छा बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम ये चेक करने आए हैं कि क्या त्रियुगी टेंपल में वो जो अग्नि है वो क्या पूरी रात जलती है? क्या है सिक्के क्यों डाले हुए हैं इसमें? सिक्के तो लोग जैसे गंगा भेटी डालते हैं साथ। अच्छा, जैसे गंगा जल में चढ़ते लोग उधर तो गंगा भेटी। तो ये सरोवर क्या इनके भी नाम जी, है? जी 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 जी। अच्छा इनके क्या नाम है? तो, गाय भैंस के लिए? ये गाय भैंस ये सूखा हुआ पत्ता खाएगी? हाँ। अच्छा बिछाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब आपने इकट्ठा किए? कितना टाइम लगा ये इकट्ठा करने में? अरे नहीं नहीं, ऊपर नहीं आना, कमरे तक नहीं आना है। अरे नहीं यहाँ तक नहीं आना। अरे अब जाओ जाओ। अरे अरे जाओ यार। अरे आ भी। अरे भाई ये तो होटल के अंदर ही आ गए। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूँ त्रियुगनी में, जो कि है उत्तराखंड में। और त्रियुगनी नारायण मंदिर जो है, ये आपको पता होगा कि ये बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर मंदिर है। इसमें यहाँ पर भगवान शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। और माना ये जाता है कि जब से शादी हुई थी तब से लेके अभी तक वो जो अग्नि है जिसके आसपास फेरे हुए थे, वो अग्नि अभी तक जल रही है। सो आज हम उस मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर में जाके वो चेक करेंगे कि वो कैसा है मंदिर, और मैं आपको वो सब वो दिखाऊंगा और कैसे वो अग्नि जल रही है। और तभी इसको इस मंदिर को ये भी कहा जाता है कि इसका नाम एक और भी है, अखंड धुनी मंदिर, जहाँ पे मतलब वो जो है आग है जो वो जो अभी तक वो जल रही है। सो अभी हम उस मंदिर में जाके चेक करें। उससे पहले आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए कितना सुंदर, वो देखिए वो सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो बिल्कुल मतलब अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है, बिल्कुल बिल्कुल वाइट है। और ये गांव है, वही वाला त्रियुगनी गांव इसको कहते हैं, मतलब ये त्रियुगनी जो ये है। और ये सारे जो हैं ये यहाँ पे मतलब ये होटल्स हैं। और जैसे कि यहाँ पे लोग शादी के लिए आए हैं, वो सब टेंट वगैरह लगे हुए हैं। सो ये एक छोटा सा गांव है, छोटा सा वो मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। सो अभी चल के हम मंदिर में जाके हम चेक करेंगे कि कैसा था मंदिर। तो ये लोग देखिए। अरे ये क्या है? किस चीज के लिए? गाय भैंस के लिए। ये गाय भैंस ये सूखा हुआ पत्ता खाएगी? हाँ। अच्छा बिछाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब आपने इकट्ठा किए? कितना टाइम लगा ये इकट्ठा करने में? पहाड़ी कंबल। तो ये कितना टाइम लगा ये इकट्ठा करने में? हैं? आज आधा घंटा? आधे घंटे में कर लिया? वाह, मैं कहा आधे घंटे में इन्होंने ये इकट्ठा किया है। तो ये देखो यार, ये होती है मेहनत जो हम शहर के लोग कभी नहीं कर सकते। सभी भूख लगी रही यार, चलो कुछ नाश्ते की बात करें, यहाँ कुछ मिलता है देखते हैं, पूछते हैं। भैया वो परांठा है, क्या मिलेगा नाश्ते में? छोले पूरी मिल जाए, ठीक, सब्जी और पूरी, ठीक है ठीक है। चलो फिर भाई ऐसे छोले पूरी खाते हैं। तो गाइस ये है त्रियुगनी मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे भी ये कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं प्रसाद वगैरह। और ये देखिए कुछ ऐसी शॉप्स हैं। और अब हम देखेंगे त्रियुगनी मंदिर। देखिए यहाँ पे मोस्टली लोग देखिए शादी के लिए ही आते हैं। ये देखिए, तो ये है पहला व्यू त्रियुगनी मंदिर का। तो ये देखिए कितना प्यारा। और ये देखिए ये एक वो शादी का यहाँ पे वो होगा, सामग्री वगैरह रखी हुई है। तो पंडित जी यहाँ पे पूजा वगैरह करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने कपल्स आए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक शादी नहीं, यहाँ पे बहुत बहुत सारे कपल्स आते हैं जो यहाँ शादी के लिए आते हैं। तो ये
पूरा मंदिर का व्यू है और वहाँ से वो जो है वो आप देख रहे हैं, वो वहाँ पर से वो आग जो अग्नि है उसका धुआं हमेशा वहाँ से निकलता रहता है। सो ये बहुत पुराना मंदिर है और अभी हम इस मंदिर के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है, सो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप उसको वीडियो को आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि इस मंदिर की क्या है। और ये देखिए वो जैसे वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे शादी का पूरा वो तैयारी हो रही है पूजा मंत्रों की जाप की। तो इनसाइड नो फोटोग्राफी, अंदर फोटोग्राफी के लिए मना है। सो मैं आपको अंदर तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। सो आप देखिए कितना प्यारा आसपास आपके पहाड़ों से घिरा हुआ और ये बीच में छोटा सा मंदिर और कितना पुराना, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इतनी पुरानी मतलब ये कंस्ट्रक्शन जो है कई हज़ार साल पुरानी है और अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही उसमें अपनी कंडीशन में है। सो कुछ ऐसा है और अभी हम नीचे जाएंगे, मैं थोड़ा शूज़ उतार के जाता हूँ एक बार नीचे। थोड़ा अच्छा पंडित जी क्या है इस मंदिर का कहानी? अच्छा बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। हाँ जी हाँ जी, त्रियुगी नारायण का मतलब होता है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु। ओके, यहीं पर भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से भादो एकादशी को जन्म दिया बावन रूप में। ओके, वो भगवान विष्णु का पांचवा जन्म था। ओके, पांच अवतार बावन जन्म। ओके, और राजा बलि जो असुरों के राजा थे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ओके, और दानव के दाने थे। ओके, गुरु शुक्राचार्य की कृपा से उन्होंने 99 यज्ञ लेने का संकल्प लिया। ओके, उनके 99 यज्ञ हो गए थे। ओके, एक यज्ञ और होता तो उनको इंद्रासन प्राप्त हो जाता। ओके, ऐसे राजा भगवान सारे देवताओं के राजा थे इंद्र। okay, इनको मालूम हुआ कि राजा बलि जो है मृत्युलोक में 100 यज्ञ करने जा रहा है। okay, अगर उनके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो उनको इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो सारे देवता लोग मिलके भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। okay, फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना की, अर्चना की, कहा कि प्रभु मृत्युलोक में राजा बलि जो आपका भगत भी है, दानियों का दानी भी है और यज्ञ करना जा संभव। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा, आश्वासन दिया कि समय के अनुसार मैं इस सेवा को सुचारू रूप से करूंगा। तो इसी स्थान पे माता अदिति के गर्भ से भादो एकादशी, भादो माता का था एकादशी था और बार था रविवार, उस दिन जन्म लिया बावन रूप में। अच्छा, और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगा। ओके, उनको तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिजुगना उनका ये जन्म स्थान है। ओके, उसी भगवान विष्णु को साक्षी करके त्रेता युग के लास्ट में माता पार्वती और शिव शंकर की शादी यहीं पे हुई। शादी है, पहली शादी आपने सुना होगा, देखा होगा, जाते समय देखें हरिद्वार में कंकल है। हाँ जी हाँ जी, वहीं पे राजा दक्ष का महल है। राजा दक्ष ने यज्ञ ठहराए, सभी देवताओं को बुलाया, अपने दामाद भोलेनाथ और अपने पुत्री सती को नहीं बुलाया, उसकी अलग कहानी है। ओके, माता सती बिन बुलाए चले जाते हैं, देखते हैं शाला में सारे देवताओं का स्थान बना पर भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं है। वो पांडित हो जाती, क्रोधित हो जाती और उसी यज्ञ कुंड में अपनी आहुति को यज्ञ को विध्वंस कर देती है। okay, और दूसरा जन्म ये पर्वतराज हिमांजल के घर में लेते हैं। अच्छा, पर्वतराज की पुत्री पार्वती नाम से, और राजा हिमांजल के इष्ट देवते भगवान विष्णु उन्होंने ये मंदिर बनाया और भगवान विष्णु को साक्षी करके अपनी पुत्री पार्वती की शादी यहीं की तरह। ओके, यहाँ पे देखने के लिए पहला ब्रह्म कुंड है वो अष्टान का, दूसरा रुद्र कुंड है वो पंचस्थानी का है, तीसरा विष्णु कुंड है जिसमें नमो नारायण का आचमन किया जाता है, चौथा सरस्वती कुंड है, सरस्वती कुंड में पितृ कार्य होते हैं, पांचवी वो धर्मशिला, यहाँ पे शादी चल रही है, वहीं पे राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। अच्छा, और उस चीज का पूजन पठन भी वहीं पे होता है। ओके, बड़े मंदिर में आप देखेंगे भगवान विष्णु के दर्शन देखेंगे, बीच में भगवान विष्णु नारायण जी हैं, छत्र के नीचे उनको सोने का मुकुट, सोने का तिलक गले में, वैजयंती माला, वो भगवान विष्णु नारायण जी हैं। उनके दाएं तरफ ढोला है, ढोले पे माता लक्ष्मी है, बाएं तरफ माता सरस्वती जी हैं। भगवान के चरणों में ताम्र पात है, उसमें 104 शालिग्राम है। पीछे दीवार पे भगवान की पंचायत है, कुबेरनाथ, भैरवनाथ, बद्रीनाथ, आदि गुरु शंकराचार्य और रामधन जी। भगवान के ठीक सामने चांदी का दिया है, उसी के नीचे शिव और पार्वती का सौभाग्य शादी जोड़ा मूर्ति है। सामने वो अग्नि, उस अग्नि का नाम है धनंजय। उस अग्नि और भगवान विष्णु को साक्षी करके माता पार्वती सप्त फिरी लेती और ये अग्नि तब से जल रही है, वो आग अभी तक जलती जल रही है। उसका प्रसाद आपको पंडित जी घर के लिए देंगे, उसमें किसी की नजर, हाक, डाक, जादू टोना काम नहीं करता है। ओके, यहाँ के सुख दर्शन है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। ये देखिए यहाँ पे शादी हो रहा है। बोला
जय मानोगे ना उसके बाद अखंड अग्नि के अंदर है जहाँ पर माता माने सब फेरे ले गया मंदिर विष्णु भगवान जी का है शंकर और पार्वती ने विष्णु भगवान जी को साक्षी मान के यहाँ पे शादी किया है ठीक है सिक्के क्यों डाले हुए इसमें सिक्के तो लोग जैसे गंगा भेटी डालते हैं साथ अच्छा जैसे गंगा जल में चढ़ते लोग उधर तो गंगा भेटी तो ये सरोवर क्या इनके भी नाम जी 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 अच्छा इनके क्या नाम है तो मुझे इनके बारे में बताइए। प्रांगण में यहाँ पे चार कुंड है ओके। पहला ब्रह्म कुंड है ब्रह्मा जी की तपस्या से ओके। दूसरा रुद्र कुंड है भगवान शिव जी की तपस्या से ओके। इन दो कुंड में स्नान का महात्म्य है या पंच स्नानी का महात्म्य है ओके। तीसरा विष्णु कुंड है अच्छा ये विष्णु कुंड है जिसमें तीन बार ओम नमो नारायण करके चरणामृत होता है ओके। इस जल को पीने से सारे रोगों का निवारण होता है अच्छा। जो जल भगवान के अंदर चरण कमलों से निकलता है अच्छा। और चौथा यहाँ पे सरस्वती कुंड है अच्छा वो सरस्वती कुंड है इसमें देव ऋषि मान स्वर्पित तर्पण होते हैं अच्छा ठीक ठीक है। तो इसमें लोगों के लिए आम लोगों के लिए स्नान होता है अच्छा। तो अभी वैसे लोग कर नहीं रहे वैसे ठंडा है ना अच्छा ठंडा मई जून में करते हैं अच्छा अच्छा उसमें आपको ठीक है ठीक है क्योंकि ब्रह्मा जी की व्याख्या उन्होंने स्नान किया था शिव जी उन्होंने स्नान किया अच्छा 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 गर्मी के टाइम में लोग नहाते गर्मी टाइम नहाते ठीक 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 शुक्रिया शुक्रिया पंडित जी वही आप थोड़ा रही हेलो गाइस तो अभी बजे हैं रात के 12:30 और ये देखिए ये दोनों भी मेरे साथ गली में चलते चलते आ रहे हैं सो ये है त्रियुगनी टेंपल का एंट्रेंस तो अभी हम रात को जाकर हम देखेंगे तो अभी ये दोनों भी मेरे साथ पता नहीं ये है वैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं पर ये कितने प्यारे हैं कितने सुंदर हैं और ये दोनों देखो मेरे पीछे 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 आ रहे हैं सो अभी ये भी मैं अब देखिए ये यहाँ पे जो सब पूजा का सामान मिलता है और ये सब जो शॉप्स जो दिन को खुली हुई थी वो अभी सब बंद है तो अभी ये देखो ये मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं ये दोनों के दोनों और जबकि मैंने इनको कोई खाना वाना नहीं दिया पर फिर भी ये बेचारे देखो मेरे साथ चल रहे हैं मुझे पूरा एक मेरे को आगे एस्कॉर्ट कर रहा है और एक मेरे पीछे वो देखो अच्छा तो अभी हम ये चेक करने आए हैं कि क्या त्रियुगनी टेंपल में वो जो अग्नि है वो क्या पूरी रात जलती है और आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए मैं अभी जूम करता हूँ और आप देख सकते हैं कि वहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है तो ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो इस मंदिर की जो अग्नि है जो कहा जाता है कि जब शिव जी और पार्वती जी की यहाँ पे शादी हुई थी और ये अग्नि तब से जल रही है और ये देखिए अभी रात को 12:30 ये बिल्कुल देखिए अभी बिल्कुल शांति है सब लोग कोई भी नहीं है बाहर और इस टाइम पे भी ये अग्नि जल रही है सो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि ये अग्नि पूरी रात पूरा दिन पूरे हर साल और हमेशा से ये जलती आ रही है देखिए इसके धुआं ये सब इसका ये देखिए ये इसी अग्नि का धुआं वो देखिए वहाँ वो जो वो चिमनी टाइप है वहाँ से वो धुआं निकल रहा है सो बहुत बड़ी बात है ये कि एक अग्नि जो कितने सालों से कितने हजार सालों से मैं बोलूँगा वो जल रही है सो मैं यही देखने में आया था रात को सो अभी यहाँ पर बहुत ठंड है और ये मेरे बॉडीगार्ड जो इतने फ्लफी सा ओए मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता पर तू ऐसे ही मुझे बिना प्यार किए आता है मेरा बच्चा आ जाओ चलो अब ये देखिए अब ये मेरे साथ चलें तो अभी हम चलते हैं वापस रूम में क्योंकि यार सच में बहुत ठंड है यहाँ पे तो ठंड की वजह से थोड़ी सी मुझे खांसी थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है सो अभी चलते हैं वापस रूम में सो गाइस ये कन्फर्म तो हो गया कि ये अग्नि पूरी रात जलती है और देखिए अभी कोई भी नहीं है मंदिर में ऐसा नहीं है कि वो अग्नि को कोई जला रहा है सो देखिए वो कैसे अग्नि पूरी रात जल रही है और ये कंफर्म हो गया सो यही कंफर्म करने के लिए मैं सोया नहीं मैं रात को यही चेक करने के लिए आया था तो इन दोनों को देखो ये दोनों को देखो कैसे साथ चल रहे हैं देखो ये तो पूरा
पूरा वुल्फ लग रहा है यार, ये तो मुझे डॉग लग ही नहीं रहा, ये तो पूरा वुल्फ लग रहा है। और देखने में इतना खतरनाक लग रहा, मुझे लगा कि पहले कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, और ये मेरे पास आती, मैं वैसे डॉग्स की बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो वो मैं समझ गया था इसकी बॉडी लैंग्वेज कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा, मुझे काटेगा नहीं, और मुझे प्यार करने ही आ रहा था। एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे कई लोग देखिए क्या करते हैं, ये बसेस में आते हैं पूरी की पूरी। आपको पता है अभी यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं वो सारे के सारे भरे हुए हैं, बिल्कुल फुल है ये सारे। देखो वो सामने होटल है बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी बारात आई हुई है, मतलब लोग आते हैं शादी करते हैं यहीं पे फंक्शन करते हैं। अब वो देखिए वो ऊपर हॉल सा बना हुआ, वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे एक डॉगी और वो कर रहा है। तो यहाँ पे लोग पूरी की पूरी बारात आती है, यहीं पे शादी करते हैं और यहीं पर सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन भी यहीं पे करते हैं, और फिर उसके बाद फिर सारे वापस जाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी बड़ा अच्छा है, कई लोग जो आते हैं यहाँ पे शादी करने वो यहाँ पर आकर अपने सारे रीति रिवाज जो भी हैं जो मंदिर में होते हैं वो, और जो मैरिज हॉल में होते हैं वो सारे के सारे वो खुद करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, शायद आपको दिखाई दे, एक मिनट में आपको थोड़ा सा हाँ रोशनी तेज़ करके बताता हूँ। ये देखिए वो जो ऊपर टेंट लगा हुआ है, वो टेंट जो है ये वाला, ये टेंट जो है ये यहाँ पे पार्टी चल रही थी, मतलब शादी का एक पूरा वो डिनर वगैरह चल रहा था। और ये पूरे होटल पे देखिए जितने भी रूम्स हैं, ये सारे रूम्स में जो बारात है, जो लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, वो सब ये बस हो गई, और ये सारी गाड़ियाँ मतलब जो भी हैं ये सब उनको टूरिस्ट को लेकर आई हुई हैं। सो ये सारे के सारे पूरे रूम्स बुक हैं, पूरे के पूरे, वो सामने वाले होटल के उसके भी। सो देखिए यहाँ पे ऐसा भी करते हैं लोग। सो अगर आप भी कुछ ऐसा वेडिंग कुछ प्लान कर रहे हैं सो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। वहाँ मैंने रूम लिया हुआ है और वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। सो अब चलते हैं वापस रूम में, काफ़ी